स्वागत है आप सभी का एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आया है दो अमेजिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी, जहां पर आपको घर बैठे डेटा एंट्री वर्क करना है। अब जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं, डेली बेसिस में कमेंट करते हैं कि मैम कोई डेटा एंट्री वर्क लेकर के आइए जो कि हम घर बैठे पार्ट टाइमली फुल टाइमली कर सके। तो इसी तरीके की कुछ यहाँ पर अपडेट है, कुछ अपडेट जो कि है फुल टाइम के लिए है, कुछ अपडेट है पार्ट टाइम के लिए। तो जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके का यहाँ पर आप अपने लिए परफेक्ट जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी डेटा एंट्री वर्क है ये टोटल दो वेबसाइट्स के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों ही प्रोफाइल्स के लिए, ये दोनों ही वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो बेसिकली यहाँ पर फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ अगर आपका 12th हुआ है, 10th हुआ है, ग्रेजुएटेड हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट ऐसे जैसे रहते हैं आप ये सभी वेबसाइट्स पर एलिजिबल होने वाले हैं। अब आज की जो हमारी डेटा एंट्री वर्क है इसके लिए क्या बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्किल्स के साथ साथ यहाँ पर आपका एनालिटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि आप छोटी से छोटी चीज़ें देख सको, एनालाइज कर सको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका राइटिंग, वर्बल एंड रिटन दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है, हिंदी अच्छा बोल लेते हो या आपके एरिया का लोकल लैंग्वेज आप बोल लेते हो तो भी यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है यहाँ पर वर्क करने के लिए, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी की ओर से भी सेटअप प्रोवाइड किया जा सकता है। अब देखिए ये प्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो कि सबसे पहली हमारी डेटा एंट्री वर्क है वो यहाँ से आती है, क्लियर डेस्क की ओर से, जहाँ पर देखिए वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री वर्क है, सीजनल अकाउंट, और ये जो कि है ना फुल टाइम जॉब रहने वाला है। अगर आपके पास डेटा एंट्री से रिलेटेड मिनिमम 1 ईयर का या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहाँ पर सैलरी में आपको बता दूँ तो कंपनसेशन PHP यहाँ पर देखिए 42,500 अ मंथ आपको पे किया जाएगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा यहाँ पर आपको सैलरी पे किया जाएगा। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, बट उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो देखिए ये जो कि कंपनी है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस डेटा एंट्री असिस्टेंट टू क्रिएट एंट्रीज इन इंटरनल सिस्टम एक्यूरेटली एंड क्विकली एंड प्रोसेस टिकेट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स इनके होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पर एंट्री कर सके, डेटा मैनेज के रखे, इस तरीके का उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप अभी जाके यहाँ पर अप्लाई करिए, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आगे भी मैं आपको वेबसाइट बताती हूँ, वहाँ पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट विथ 3 to 4 ईयर्स का 4 ईयर्स का बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करिए। एक्सपीरियंस यूजिंग सेंड डेस्क का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। प्रोफेशनल लेवल इंग्लिश रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस यूजिंग एनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने यूज़ किया है, गूगल वर्कप्रेस अगर आपने स्पेस अगर आपने यूज़ किया है तो वो भी हेल्पफुल होगा। कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आपके पास होगा विद इंटरनेट कनेक्शन तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर 25 Mbps चाहिए होगा। इसके लिए आपको क्या सैलरी पे किया जाएगा, एज आई सेड कि यहाँ पर देखिए 42,500 तक आपकी पर मंथ की सैलरी रह सकती है। वर्क फ्रॉम होम जॉब है यहाँ पर, HMO यहाँ पर अवेलेबल है, बोनस एंड इंसेंटिव्स आपको दिया जाता है और पेड ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। डेटा एंट्री के लिए कैसे वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहेगी, वो जो पीरियड होगा जैसे कि वो 1 वीक का रह सकता है, 2 वीक का रह सकता है, 1 मंथ का रह सकता है, तो यहाँ पर वो भी जो कि आपका ट्रेनिंग रहेगा वो भी पेड ही रहने वाला है। आई एम इंटरेस्टेड पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ये फॉर्म ओपन होकर के आएगा इसको आपको फिलअप करना है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए डू यू हैव एनी बैचलर डिग्री तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफ नो प्लीज स्पेसिफाई नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप देखिए वेयर डू यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, तो कहाँ से आपको पता चला है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके अलावा देखिए रेफरर कोई है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, तो ये आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आर यू विलिंग टू वर्क एक्सक्लूसिव फुल टाइम फॉर हेल्प, तो अगर आप यहाँ पर फुल टाइम के लिए वर्क करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट
करना है, आपका एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अटैचमेंट में देखिए आपका रिज्यूम, कवर लेटर, पोर्टफोलियो, फोटो यहाँ पर आप अटैच करेंगे और इस एप्लीकेशन को आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप ये जो कि सबसे पहली हमारी डेटा एंट्री वर्क है इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बट इसी के अलावा अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, आपके पास कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे पास सेकेंड वेबसाइट है जो कि है इंटर्नशाला, जहाँ पर आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड हर तरीके का वर्क मिल जाता है। पार्ट टाइम जो कि वर्क कर सकते हो, फुल टाइम वर्क कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, वो भी जिसके साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आपके आगे फर्दर जॉब्स के लिए आपको हेल्प करेगा। आपके रिज्यूम में आप उसको अटैच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा एंट्री वर्क सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए इंटर्नशाला स्टूडेंट पार्टनर की ओर से वर्क आता है। इसके अलावा इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कंपनी की ओर से, देखिए ये जो कि अपॉर्चुनिटी है ये जस्ट नाउ अभी जो कि ये अपडेट किया गया है, 3 मंथ्स का इंटर्नशिप है, स्टिपेंड आपको 5,000 यहाँ पर पे किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो कि अप्लाई करना चाहते हो तो ये इमीडिएट हायरिंग है। और स्क्रॉल करोगे तो देखिए अगेन जो कि है डेटा एंट्री वर्क है और सारे लेटेस्ट अपडेट ही यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे अपडेट जो कि किए गए हैं, ये जो कि अपडेट है ये 2 डेज अगो जो कि किया गया था। उसी तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए ये अपडेट 3 डेज पहले किया गया था। यहाँ पर भी वर्क डेटा एंट्री का ही है, ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, 8,000 पर मंथ आपको पे किया जा रहा है। इस पर आप व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डेटा एंट्री वर्क से रिलेटेड जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब उसी के नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो देखिए अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक हाउस वाइफ है, अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहती हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए ये वंस अगर आप ये इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पर्क्स में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको कंपनी की ओर से फ्लेक्सिबल आवर्स दिए जाएंगे, 5 डेज ऑफ वीक आपको वर्क करना है, 2 डेज आपको यहाँ पर रोटेशनल वीक ऑफ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको जरूर से कहूंगी कि यहाँ पर जो भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए कि क्या वो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पर वर्क करना है, किस तरीके से करना है। और फिर अगर आपको लगता है कि यस आप यहाँ पर एलिजिबल है तो डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस इंटर्नशाला की सबसे बेस्ट बात क्या है पता है इस वेबसाइट की, कि यहाँ पर आप एक से ज्यादा प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया तो आप दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप 10 से लेकर 20 जॉब्स के लिए अप्लाई करके रख सकते हैं। और मोस्टली प्रोबेबली यहाँ पर जो कि आपको रिवर्ट, अगर आप रिसेंट अपडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक दिन में 48 आवर्स में मैक्सिमम 72 आवर्स में रिवर्ट आ जाता है, जिसमें कि आप अपने आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इन सभी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी वेबसाइट या जितने भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सभी जगह पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे उसका अपना अलग प्रोसेस होता है सिलेक्शन के लिए। कहीं पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, कहीं पर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, कहीं पर बिना किसी इंटरव्यू या एग्जाम के डायरेक्टली सिलेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर मोस्टली ऐसे कंपनी है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब एक बेस्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि अगर आपके पास डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये वीडियो अगर आप डिटेल में देख लेते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप डेटा एंट्री वर्क कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जो कि आपको डेटा एंट्री वर्क सिखाती है प्लस आपको सर्टिफिकेट भी देती है। ये सर्टिफिकेट आपको ऐसे ही नहीं मिलता है, ये सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम देना होगा। बेस्ड ऑन दिस ऑनलाइन कोर्स आपका एक एग्जाम रहता है, उस एग्जाम को आप सक्सेसफुली क्रैक करते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा एंट्री का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारे ही प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई रिपीट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस कोर्स को कर सकते हैं और यहाँ पर अपने लिए डेटा एंट्री वर्क का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, अपने रेज्यूम के साथ इन सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।